नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी के इस खास कार्यक्रम में। जैसे कि हम आज दिल्ली में हैं और यहाँ पर आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस में है और यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है। इलेक्शन लड़ा जाए लोकसभा का कि नहीं, इस बात पर मंथन चल रहा है और इस मंथन के बीच बड़ी मुश्किल से हमने टाइम निकाल कर हरियाणा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं अनिल बावा और अनिल बड़गुजर, उनसे भी हमने यहाँ जानना चाहा कि क्या मीटिंग में अभी निकला है। तो आइए बात करते हैं हम। अनिल बावा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। जानना चाहेंगे, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, अंदर चल रही है मीटिंग, कुछ देर का विराम मिला है, तो क्या अभी फैसला लिया जा सकता है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से? रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से फैसला लिया जा रहा है कि जो है पूरे हरियाणा के अंदर हम जो है 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे जी, और हर स्टेट में स्टेट प्रेसिडेंट बुलाए हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी ने जी। और सबसे पूछा जा रहा है कि भाई आपकी कितनी तैयारी है आपके स्टेट में, आप कितने लोगों को कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो लोकसभा में, तो सभी प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सब बता रहे हैं अपने अपने स्टेट के बारे में। जहाँ तक कि हरियाणा की बात है तो मैंने तो मंत्री जी से आग्रह भी किया था, अनुरोध भी किया था कि हम तो पूरे हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर भी चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भाई अभी नहीं, 5-4 सीटों पर आप देख लो, जहां मजबूत कैंडिडेट हों वहां पे जो है हम इस पार्टी के कैंडिडेट खड़े करेंगे जी। और ये पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी है जी। और बाबा साहब ने इस पार्टी का गठन 1956 में किया था जी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देखा कि भाई इस देश के अंदर चूहा कुत्ता बिल्ली इनका सम्मान होता है और जीते जागते इंसानों का अपमान होता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है तीनों चीज़ों का गठन किया था। बाबा साहब ने 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल का गठन किया था जो बाबा साहब की एक सामाजिक सेना थी। बाबा साहब ने धर्म के लिए भारतीय बौद्ध महासभा का भी गठन किया था, क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देखा कि हम जो है रोड बना सकते हैं, रोड पे चल नहीं सकते, हम कुआं खोद सकते हैं लेकिन उसमें पानी नहीं पी सकते, हम जो है स्कूल बना सकते हैं लेकिन उसमें हम पढ़ नहीं सकते, हम मंदिर बना सकते हैं लेकिन मंदिर में हम पूजा नहीं कर सकते, तो इतनी सारी दुर्दशाएँ थी हमारे लोगों की इस देश में। तो बाबा साहब इतने पढ़े लिखे और वह विद्वान होने के बावजूद भी जब बाबा साहब ने सोचा कि जब हमारे समाज को कोई सम्मान ही नहीं है, एक तालाब पे जा कर के कुत्ता बिल्ली सूगर पानी पी सकता है, और हमारे समाज का दलित समाज का कोई बच्चा जा कर के उस तालाब की मुंडेर पे भी खड़ा नहीं हो सकता, मुंडेर पे खड़ा होने के बाद उसकी जो है टांगें तोड़ दी जाती हैं और उस जो है तालाब के पानी को गाय का मूत्र डाल करके वो है शुद्ध किया जाता है, तो बाबा साहब ने सोचा कि इस देश में हमारी तो गाय के मूत्र से भी ज़्यादा दुर्दशा है, क्योंकि एक जानवर का मूत्र है वो और काम जीते जागते इंसान है, हमारी कितनी दुर्दशा होती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सारी चीज़ों पर विचार और मंथन करने के बाद अपने साथियों से जो है विचार करने के बाद उन्होंने 1956 में रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था। बाबा साहब कहते थे कि ये जो है राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुल जाता है, तो राजनीति में जाने के लिए बाबा साहब ने एक सपना देखा था। बाबा साहब चाहते थे कि दलित का प्रत्येक हर घर में से एक एक बच्चा को लीडर बनना चाहिए, समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए, समाज के अधिकारों के लिए उसको लड़ना चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदास अठावले जी उनकी इस जो है विरासत को आगे बढ़ाए हुए हैं और पूरे के पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी का एक परचम लहराने का हम काम करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है हरियाणा के अंदर भी हम लोग हर जिले वाइज हमारा संगठन तैयार हो चुका है, अब हम विधानसभा वाइज संगठन तैयार करेंगे, उसके बाद हम गाँवों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे, वहाँ पर अपनी जो है मेंबरशिप शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा आपसे, मैं बात लोकसभा की करता हूँ, उपाध्यक्ष हैं अनिल बड़गुजर, आपसे जानना चाहूँगा कितनी तैयारियाँ लोकसभा के लिए आपकी हैं? तैयारियाँ हमारी जोरों शोरों पर हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके अपना जो भी प्रत्याशी होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का गाँव में घूम घूम कर प्रचार करेंगे, जिससे हमारा प्रत्याशी आगे उभर कर आए। हमारी जीत भले ही ना हो पर हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के लिए हमारी जो आरपीआई पार्टी है जो उभर कर आए, जैसे ही हमारे आगे लोकसभा के इलेक्शन के बाद एमएलए का हमारा भी होंगे, उनमें हमारी कहीं ना कहीं छवि ज़्यादा से ज़्यादा उभर कर आएगी।
बिल्कुल। तो देखा आपने, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर कमर कस ली है आरपीआई ने, और हमारे साथ बात करने के लिए अभी हाल ही में बाई इलेक्शन चुनाव लड़ा है सुनील गहलावत जी, जो जीन बाई इलेक्शन में नॉमिनेटेड थे, उनसे भी हम बात करेंगे। सुनील गहलावत जी, जानना चाहूँगा आपसे किस तरह की तैयारियाँ अभी देख रहे हैं पार्टी की, क्या कमर कस ली है आपने इलेक्शन लड़ने के लिए? हम सभी ने, माननीय केंद्र मंत्री रामदास अठावले जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में, जो उन्होंने हमारे को भी मार्गदर्शन किया है, और हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल बाबा जी की अगुवाई में आज उन्होंने हमारे को आदेश दिए हैं कि हमने 5 सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, तो हम तो 10 के 10 सीटों पे कमर कसी हुए लड़ने के लिए, लेकिन हमारी पार्टी के जो वाला है उन्होंने हमें आदेश दिए हैं, जो उनके आदेश दिए हैं हम उनकी पालना करेंगे, और जौन जौन सी सीटें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें दी हैं उन पर हमारे सभी कार्यकर्ता अपनी जी जान कोशिश करेंगे, और हमारे पार्टी के जिस भी प्रार्थी को टिकट दी जाएगी उसको जिताने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। और एक और यहाँ पर पदाधिकारी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जानना चाहूँगा आपका नाम? राज सिंह जी। क्या आपके पास पद है? मैं प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव, किस तरह की तैयारियाँ आपने की है, और कल से ही कैसे आप कमर कस के लग जाने वाले हैं इलेक्शन में? हमें सोच रहे हैं कि हमारी भी पार्टी आगे उभर के आए जी, और हम भी तन मन धन से गली में, मोहल्ले में, शहर में पूरा प्रचार करते हैं, तो जन जन तक पहुंचाएंगे। हाँ, जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जी के जो मिशन है थे, हाँ, उनको पहुंचाएंगे। हाँ, अठावले जी ने जो सोचा है उसको पूरा, हाँ, उसको पूरा करने की पूरी जोश है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल जोश है, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जोश है, और ये रण में कूद पड़े हैं लोकसभा हरियाणा में, और हरियाणा में 5 सीटों पर ये जीत दर्ज करके दिखाएंगे, और अपने सर्वे सर्वा जो रामदास अठावले जी हैं उनको जीत का हार पहना के ही ये दम लेने वाले हैं। तो बने रहिए कंचन टीवी के साथ, हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे।